भूमिहीनों को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा बंदोबस्ती दिया जाता है। इसके बाद सरकारी नियम के अनुसार अनुमंडल कार्यालय से भी मान्यता दी जाती है। संबंधित अधिकारी द्वारा उस जमीन का रेंट को निर्धारित किया जाता है, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण कुसबिल्ला गांव के बुदुस अंसारी के पिताजी द्वारा 1965 में लिए गए बंदोबस्ती जमीन का रेंट अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। 1965 में हमारा पिताजी ने बंदोबस्त लिया था। कितनी जमीन का? 2 बीघा 17 कट्ठा, दाग नंबर उसका 588 है, और जाके इसको अप्रूवल के लिए रेंट फिक्स करने के लिए हमने कर्मचारी के पास गया, श्री सत्यनारायण रमानी के पास में। तब उसने बोला कि खर्चा लगेगा, तो कर्मचारी बोलने लगा कि सीओ इतना पैसा लेगा 15,000। तो 15,000 हम लोग बोले कि उतना नहीं दे सकेंगे, तो फलना तारीख को आना। तो फलना ऐसे करते करते 3-4 बार घुमाया, गफ्फार भैया बोलता है पैसा नहीं देने से के बाद नहीं काम होगा। तो हम 12,000 का बैल हम 8,000 में बेच दिए, और उसको जाकर दोनों भाई गए कर्मचारी के पास, उसको बोले, बोला नहीं 8,000 से कम नहीं लेंगे, कि तो उसको मेहर विनती किए और 5,000 दे दिए तुरंत गन कर, बोला तब फलना तारीख को हो जाएगा। ऐसे करते करते साल भर घुमाया, बाद में उस बोलने लगे तो झाड़ दिया कि जाओ नहीं होगा। ऐसे करते करते जब वो ये बोराजो प्रखंड से बदल हो गया और चला गया ये सुंदर पहाड़ी। हम इस डी ओ को हम ईटो दरखास्त दिए, बोले कि सर देखिए 5,000 पैसा ले लिया है और अभी तक हमको वो नहीं किया, यहाँ से बदली होकर सुंदर पहाड़ी चला गया। तो जो आप SDO को कागज दिए, वो उसका एक प्रति है आपके पास? मेरे पास में एक प्रति कागज है। तो आप अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा रेंट फिक्स हो जाना, हम सरकार को रेंट देंगे। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से मैं अपील करती हूं कि आप सभी हमारी समुदाय की मदद के लिए बुआरीजोर प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय प्रकाश मरंडी का मोबाइल नंबर 9162659049 पर फोन कर हमारी सहयोग करें, ताकि इन समुदायों को भी सुख चैन से जीने का अधिकार मिले। मैं मेरी निशा हंसदा, जिला गोड्डा, झारखंड के संताल परगना से, इंडिया अनहट के लिए।